जी, अभी मैं आया हुआ था डेवो स्टेशन पे, तो डेवो एक्सप्रेस से मेरे लिए एक चीज़ आई हुई थी। ये नोट एस नोट 8 का पेन था, तो जो मैंने लाहौर से ख़रीदा था, उसका पार्सल आया था। 2-3 दिन से वो उठ नहीं रहा था। इसको लेने के लिए इतना दूर आया हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ नहीं होता था, तो वो रोज़ आता आके रिसीव कर लिया मैंने खुद। ईद पास है तो सब कुछ बंद ही ना हो जाए, तो सस्ते नशों का यही होता है कि भाई। और अभी वापस चलेंगे इंशाल्लाह, जिम भी लगानी है। ना उठने का नतीजा यही होता है, फिर इतने दूर पैकेज लेने के लिए आना पड़ता है। सस्ते नशे छोड़े, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। डेवो एक्सप्रेस पे बड़ा आना जाना होता है, लेकिन आजकल कोरोना है तो कोई आ जा नहीं रहा। अभी मैं एडिटिंग कर रहा था, तो ये उसी रात की है फुटेज। तो ये मैं गया था मंडी में, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 4 लाख तक का बैड़ा, हमारी ज़बान में तो बैड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं बुल, तो उनके साथ गया था। वैसे तो हमारे अपने जानवर हैं, तो जब भी होती है तो अपने पास 2 फार्म हाउस हैं तो वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन उनके साथ मैं गया था तो देखने के लिए किस तरह जानवर की मतलब क्या रेंज है, कितने कॉस्ट आएगी। तो अगर आप नॉर्मल लेते हो तो आपको तकरीबन 1.5 लाख तक, और अच्छा थोड़ा अच्छा जानवर अगर आप लोगे तो आपको होगा तकरीबन 2.5 लाख तक उतना है। और जो इधर सबसे बेस्ट था वो तकरीबन 4 लाख तक था, जो एंड में मैं आपको दिखाऊंगा। के हिसाब रखे है जी, के हिसाब। तो जी
ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਰੀਆਂ بڑے سمجھ کے چائے کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں۔